हेलो स्टूडेंट्स। तो भैया क्या प्रोसेस है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का रिगार्डिंग द एडमिशन? तो यार देखते हैं, चलो इसके लिए आपको एक अर्जेंट अपडेट बता दूं रिगार्डिंग द सीयूईटी एडमिशन प्रोसेस। अभी यार थोड़ा क्रूशियस टाइम चल रहा है, ऑलमोस्ट कॉलेजों के जो एडमिशन है वो क्लोजिंग पे है। तो जिन भी बच्चों ने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है, अपना एक सीट सिक्योर कर सकते हो। इसके साथ ही हमारा आप सीयूईटी गाइडेंस प्लान भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जिसमें हम जो आपका एडमिशन करा देते हैं ऑलमोस्ट किसी ना किसी अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में या फिर स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजों में टिल लास्ट स्पोर्ट राउंड वगैरह तक, जब किसी कॉलेज की सीट अगर वैकेंट रहती है। तो यार जरूर से जाके ज्वाइन कर सकते हो। इंडिया का सबसे अफोर्डेबल प्राइस के अंदर हम आपका काउंसलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, ओनली फॉर 1499 रुपये में। अब हम देखते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की तरफ से क्या सारा सीन है एडमिशन के लिए। तो चलिए गाइस वो भी देख लेते हैं। हालांकि इनकी वेबसाइट जो है वो खुलने में काफी टाइम लेती है, बहुत ही ज्यादा धीरे खुलती है वेबसाइट। हालांकि मैं यहाँ पे 100 MB/s का यूज करता हूँ और आने वाले समय में एयरटेल की वजह से काफी ज्यादा यूज करेंगे, लेकिन वेबसाइट देख सकते हो 100 MB के इंटरनेट पर भी इतना धीरे खुल रहा है। तो यार टेक्नोलॉजी के मामले में सीएससी डिपार्टमेंट इनका बहुत ही ज्यादा हल्का है, तो सीएससी में तो एडमिशन लेने का कोई यहाँ पे बनता ही नहीं है। तालुक इसी कारण फर्स्ट जो अलॉटमेंट था उसमें सारी की सारी सीटें जो है वो वैकेंट रही है। ओके तो अब देखते हैं कितना टाइम देता है, मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। तो यार ये वेबसाइट पूरे पूरे 6 मिनट बाद खुल चुका है। आपको यहाँ पे जाना है, फिर से यहाँ पे एडमिशन पे क्लिक करना है, ठीक है, cot.aspx। ओके फिर यहाँ पे एडमिशन के रिगार्डिंग देख सकते हो, फिर से यूजी की तरफ से नोटिस आया है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासों की तरफ से नोटिस आया कि क्लासें आपकी कब से स्टार्ट होगी। तो इट इज फॉर इंफॉर्मेशन ऑल द स्टेक होल्डर्स दैट रिवाइज डेट फॉर कमिशमेंट ऑफ क्लासेस फॉर द न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट विल बी नोटिफाइड ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट वेरी सून। आपकी जो यार क्लासें हैं वो जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। उसके बाद आपकी जो थर्ड काउंसलिंग के रिगार्डिंग एक नोटिस आ रखा है, जिसका मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में एक बार सेंड किया था, और जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं कर रखा है वो ज्वाइन कर ले, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो गाइस यार ये देख सकते हो ये नोटिस आया रिगार्डिंग द थर्ड राउंड की जो भी है। थर्ड राउंड 17 अक्टूबर को कंडक्ट किया जाएगा। सभी छात्रों को सलाह दी जाती है कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर देखते रहे, इंग्लिश में कुछ लिखा है, विद द अप्रूवल ऑफ द अथॉरिटी द यूनिवर्सिटी विल कंडक्टिंग अ थर्ड काउंसलिंग फॉर एडमिशन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम ऑफर ड्यूरिंग द एकेडमिक सेशन। ऑल द कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट द यूनिवर्सिटी वेबसाइट फॉर मोर डिटेल्स। ये प्रतिलिपि, ठीक है, डॉट 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 जो भी है। अब अपन बात करते हैं यार इनके सीटों की। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो फर्स्ट काउंसलिंग के अंदर जो है काफी सारी सीटें जो है वैकेंट रही थी। ओके उसके बाद मेरे पास काफी सारे बच्चों के क्वेश्चन आए कि भैया वो तो सेकेंड राउंड फिर से कंडक्ट किया जाएगा ना, तो वो तो फिर से सेकेंड राउंड में वैकेंट रह जाएगी। ओके राइट, ये क्वेश्चन तो है, लेकिन सेकेंड राउंड में भी बहुत सारी सीटें जो है वैकेंट रहेगी, बिकॉज जो सेकेंड राउंड में भी जो अलॉटमेंट है वो काफी हाई पे रहा था, और जो वो बच्चे हैं वो डिजर्व करते हैं बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों के अंदर। हालांकि ये तो फर्स्ट वाली ही है, सेकेंड वाली अपडेट नहीं हुई है, लेकिन शाम तक आप वेट कर लीजिए, शाम तक ऑलमोस्ट अपडेट हो जाएगी, जहाँ पे हमें शो कर देगा कि सेकेंड काउंसलिंग में कितनी सीटें वैकेंट रही है। उसके बाद हमारा थर्ड काउंसलिंग कंडक्ट होगा। ये तो सारी यार फर्स्ट की शो कर रहा है, अभी सेकंड की तरफ से अपडेट नहीं हुई आई थिंक, तो जैसे सेकंड की अपडेट होती है देखते हैं। एक यार सीयूटी यूजी से रिलेटेड व्हाट्सएप ग्रुप का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जहां पे मैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वगैरह शेयर करता रहता हूँ, उसमें इनरोल कर लेना, ठीक है। और भी डिपार्टमेंट से संबंधित कोई सवाल हो तो आप इनसे कॉल कर सकते हो, यहाँ पे सारे के सारे डिपार्टमेंट के हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं, और आपको एडमिशन चाहिए तो वो हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हो। ओके थैंक यू।